हिंदू संगठनों की एक आपातकालीन बैठक कटरा नाज में संपन्न हुई, जिसमें आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई और हिंदू संगठनों के समस्त पदाधिकारी 28 विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी के लिए दीपक अग्रवाल के लिए सभी एकमत थे, क्योंकि दीपक अग्रवाल एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं जिन्होंने सदैव हिंदू समाज को तन मन धन से सहयोग किया है। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों की मांग है कि मुरादाबाद 28 विधानसभा चुनाव में दीपक अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया जाना है और हिंदू संगठनों के साथ हिंदू जनता भी दीपक अग्रवाल को अपना तन मन धन से सहयोग करेंगे। दीपक अग्रवाल राष्ट्र धर्म और हिंदू समाज को अपना पूर्ण सहयोग देंगे, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। वहीं सर्वदलीय हिंदू संगठनों ने चुनाव के मद्देनजर दिया संदेश और कहा, कायम रखना चाहते हो तुम जनता पर अपना प्रभाव और जीतना है तुम्हें अगर सन 2022 का यह चुनाव। आज वक्त ने प्रश्न किया है मुरादाबाद की जनता से, विधानसभा 28 की देखो मांग रही है बदलाव। इस मौके पर अतुल भटनागर, बलदेव सैनी, हेमंत कुमार, ताराचंद सैनी, पुलकेश शर्मा, करण सिंह सैनी, हजारी लाल, सतीश ढल आदि लोग मीटिंग में मौजूद रहे। सतीश ढल, हिंदू प्रमुख, सर्वदलीय हिंदू संगठन। मीटिंग में क्या आयोजन रहा है आज? हमने समस्त हिंदू संगठनों की एक बैठक कटरा नाज में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बुलाई थी, जिसमें सबों ने चर्चा में एक बात विशेष कही कि हमें मुरादाबाद में एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करना चाहिए जिसके लिए सारे लोग सहमत हों और जो निष्पक्ष आदमी हो, जिसने समाज की सेवा के लिए काम किया हो। उस कड़ी में हिंदू संगठनों के समस्त पदाधिकारी एक बात से सहमत थे कि उसके लिए दीपक अग्रवाल का नाम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि दीपक अग्रवाल जी 30 साल से हमारे सर्वदलीय हिंदू संगठन के साथ भी काम कर रहे हैं, दूसरे हिंदू संगठनों के साथ भी इन्होंने काम किया है, समाज के साथ भी इन्होंने काम किया है। आगामी कोरोना का जो काल आए थी उसमें भी आपने सब लोगों की सेवा की, मास्क बांटे, खाद्यान्न बांटा और ये हमेशा ही काम करते रहते हैं, क्योंकि जिस समाज से ये हैं उसी समाज से मैंने पूर्व में देखा 4 बार संदीप अग्रवाल, जो अग्रवाल समाज से थे, वो चुनाव जीते विधायक का। 1 बार पुष्पा सिंगल जी, जो भी इन्हीं से समाज से थी, चुनाव जीती। आज मुरादाबाद की जनता कुछ बदलाव चाहती है, उसी कड़ी को देखते हुए हमने आज ये बैठक बुलाई है जिसमें दीपक अग्रवाल जी के नाम से सब लोग सहमत हैं।